सोमवार को जब बाबा महाकाल की शाही सवारी निकाली तो हर कोई उनके दर्शन को पहुंचा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी राजाधिराज के दर्शन को पहुंची। सवारी में शामिल हुई उमा भारती से चर्चा की हमारे संवाददाता अजय शर्मा ने। आज बाबा महाकाल की शाही सवारी निकली और हर कोई बाबा महाकाल के शाही सवारी में हिस्सा शामिल होने पर हमारे साथ मौजूद है पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती। दीदी, आज शाही सवारी में आप शामिल हुए, क्या कुछ कहेंगे? मैंने आज हरसिद्धि माई की तरफ से बाबा महाकाल का स्वागत किया। शिव और शक्ति का मेल हुआ, यानी अब सकारात्मक ऊर्जा पूरी दुनिया में आएगी और कोरोना के संकट से भारत को, दुनिया को मुक्ति मिले, मैंने ऐसी प्रार्थना की। आपने सावन के पहले सोमवार से लेकर अंतिम भादो मास के दूसरे सोमवार तक क्या कुछ मांगा है बाबा महाकाल के दरबार में? आप जब जब भी यही कि मेरा जीवन धन्य हो, बहुत सारी सृष्टि का कल्याण हो। दीदी, एक अंतिम प्रश्न, राम मंदिर की नींव रखा गई, अब कहा जा रहा है कि काशी और मथुरा का भी रुख कर लेना चाहिए। ये तो बाबा महाकाल की नगरी है, अभी अयोध्या का मसला अलग था और काशी और मथुरा का मसला अलग है। काशी और मथुरा में पूजा हो रही है, अयोध्या में होती नहीं थी। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, जिनका कहना है कि अयोध्या में तो राम मंदिर निर्माण के लिए नींव रखा ही गई है, लेकिन मथुरा और काशी में भी पूजा होनी चाहिए और वहाँ बदस्तूर जारी रहेगी। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश उमा भारती सावन के पहले सोमवार से ही बाबा महाकाल के दर्शन को आती थी और आज जब शाही सवारी निकली है तो एक बार फिर वे बाबा महाकाल के आशीर्वाद लेने पहुंची है। उन्होंने यहां पर पूजन अर्चन किया, उसके बाद में राम घाट पे जो शिप्रा के तट पर बाबा महाकाल का पूजन अर्चन होता है उसमें भी वे शामिल हुई और उसके बाद शिव और शक्ति का मिलन, यानी कि हरसिद्धि माता मंदिर पर जो बाबा महाकाल इस बार पहुँचे थे उसमें भी वे शामिल हुई हैं। कैमरा पर्सन शुभम खत्री के साथ अजय शर्मा, खबरबाण न्यूज़, उज्जैन।